जरा इधर आना तो। अब कौन सा कांड पता चल गया इसको? गई भैंस पानी में। अब मैं जो पूछने वाली हूँ उसका जवाब सही सही देना। एक बात तो तुम समझ लो, मैं साबुन नहीं हूँ जो हर रोज सफाई देता रहूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये लो। ये क्या है? बीमा। बीमा? हाँ भाई, मैंने घर के हर एक चीज का बीमा करा दिया है। बड़ी अच्छी कंपनी है। अगर तुम्हारी कोई चीज कहीं खो जाए, चोरी हो जाए या कहीं चली जाए तो ये कंपनी तुम्हें दूसरे दिन ही नया लौटा के देगी। तुमने अपना तो नहीं कराया? अरे नहीं यार। फिर ठीक है, तू समझा। हाँ। तो पार्टी बढ़िया थी ना? हाँ पार्टी तो बहुत अच्छी थी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, गाड़ी के सामने वो औरत कौन थी? मैंने सुना है वो एक भूतिया ब्रिज है, और मुझे लगता है वो जरूर कोई भटकती हुई आत्मा या कोई चुड़ैल होगी जो अचानक हमारे गाड़ी के सामने आ गई। पर मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी वो मुझे देखते ही भाग गई। अब तुम्हारे होते हुए कोई चुड़ैल मुझे डरा सकती है क्या? तू समझा? हाँ ये तो है। नहीं तू समझा नहीं। यार मैं ना डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। नहीं जाना है, कल मेरे साथ चलना। मतलब ये क्या बात हुई कि मैं अकेले कहीं जा ही नहीं सकता? तुम्हारे साथ ही डॉक्टर के पास जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही शॉपिंग पे जाऊंगा। तुम भूल गए शायद, पर मैं नहीं भूली। तुम यही सब बहाने बनाकर मुझसे मिलने आते थे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है एलोवेरा क्या होता है? ऑफ कोर्स, पंजाब में जब छोटा भाई बड़े भाई को ड्रिंक ऑफर करता है तो कहता है एलोवेरा। चीयर्स। चीयर्स। कहाँ जा रहे हो? रनिंग करने जा रहा हूँ यार, अब फिटनेस पे ध्यान देना है। अच्छा तो वो कुछ नहीं, मैं वापस आऊंगा। ओट्स बना के रखियो, अब मैं सिर्फ हेल्दी खाऊंगा। फिर तो दोपहर को सलाद खाऊंगा, और हाँ चीनी निकाल दे मेरे खाने से बिल्कुल। चलो फिर। क्या चलो फिर? फिर छोले भटूरे तो नहीं खाओगे आप? जल्दी ले आ। अरे मैडम जी आप उदास क्यों हो? वो मेरे ना हस्बैंड से मेरा डिवोर्स हो गया था और मैं उन्हें भूल नहीं पा रही। अरे मैडम जी मैं आपके चक्कर में अपने एक साल का सिलेबस भूल गया, आप एक इंसान को ना भूल पा रही? घर की तो शर्म नहीं आ रही, मैं टीचर हूँ तेरी। घर की क्या, वो प्यार हो हुआ तुमसे? मेरी मेरी बस। हेलो सर। हाय। यस सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछिए। सर जब आप अपने लिए रिश्ता देखने जाओगे तो आप क्या देखोगे? लड़की देखूंगा। सर मेरा मतलब है लड़की कैसी होनी चाहिए? जिंदा होनी चाहिए। सर यार इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ, अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पहले वाले से पूछ लो। शुरू से ही ऐसी हूँ। कभी कभी लगता है कि घर से भाग जाऊं। लो भाग के जाओ और सब्जी लेके आओ। कभी कभी लगता है, अभी थोड़ी लग रहा था। वो सुनो यार, मैं सोच रही हूँ 10-15 दिन के लिए ना अपने भाभी भैया के घर चली जाती हूँ। बहुत दिन से गई नहीं ना, उनसे मिली नहीं हूँ। ठीक है? ओ मेरी माँ मुझे माफ कर यार, मायके जाओगी 10-15 हज़ार रुपए तो पहले मेरे खर्च कराओगी तुम, उसके बाद जाके अपने भाई भाभी के 10-15 हज़ार खर्च करा देना, और उनमें जाके लड़ाई और करा दोगी। तुम एक काम करो ना, यहीं पे ठीक है, यहीं रहो। अच्छा चलो ठीक है, फिर नहीं जाती। मायके जाना, दिल मेरा फटता है। अरे शिखा दी का फोन। हेलो। हाँ दीदी। अच्छा आने का प्रोग्राम है। वैसे दीदी एक बात कहूँ मैं, यहाँ आने से पहले आप अपने पति के 10-15 हज़ार खर्च कराओगे, फिर यहाँ आके हमारे भी 10-15 हज़ार खर्च कराओगे, और हाँ फिर लड़ाई भी करा सकते हो हमारे बीच में। तो एक काम करो दीदी, आप रहने ही दो, है ना? ठीक किया ना मैंने?